तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ पीके चौहान। मैं सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोस से रिलेटेड वीडियोस और वीएफएक्स इफेक्ट ट्यूटोरियल वगैरह वीडियो एडिटिंग वगैरह डालता रहता हूँ दोस्तों इसी चैनल पर। तो दोस्तों चैनल जो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको मैं अपने मोबाइल पर देख सकते हैं यही वीडियो जो मैंने आपको वीडियो यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो अगर आप इस प्रकार की वीडियोज़ अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और मैं बता दूँगा किस प्रकार से आप इस वीडियो को अच्छे से बना सकते हैं दोस्तों, अगर टिकटॉक आप चलाते हो दोस्तों, ठीक है, टिकटॉक चलाते हो, अगर आप अपना सिर्फ फेस का ही जो कि वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे कि आपका फेस जूम इन करके दिखे और कोई भी इधर उधर आप जैसे हिल डुल रहे दोस्तों तो उसे भी कैप्चर कर सके, तो आपको इस जो कि टिकटॉक पे एक फिल्टर है दोस्तों उसे आप यूज़ करेंगे तो आपका वीडियो बहुत अच्छा से ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से देख सकते हैं मेरा वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों आप सभी, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से कैप्चर किया है दोस्तों। थोड़ा सा ये जो कि मेरा जो आगे का जो फ्रंट कैमरा है थोड़ा सा नॉर्मल कैमरा है, जैसे कि ज़्यादा मेगा पिक्सल का नहीं है, इसी कारण से वो थोड़ा सा जो जूम होने पर थोड़ा बहुत जैसे साफ नहीं आ पा रहा है। इसी कारण से दोस्तों अगर आपका फ़ोन अच्छा है तो आपको जो कि ये इसमें कोई भी परेशानी नहीं दिखेगा दोस्तों। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना दोस्तों कि आइए हम टॉपिक चलते हैं दोस्तों कि आप किस प्रकार से इसे अप्लाई करेंगे या फिर कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों इस फिल्टर को। तो आइए हम पहले अपने जो कि टिकटॉक पर चलते हैं दोस्तों। टिकटॉक एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं तो मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से आप कौन सा आइकन है और कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं लेकर चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा यही है यहाँ पर किस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा था, तो मैं सोचा कि आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँ दोस्तों कि किस प्रकार से आप इसे बनाएंगे पहले, ठीक। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ प्लस का आइकन भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्लस आइकन क्लिक करते हैं दोस्तों आपका यह कैमरा चालू जाए, लेकिन मैं कैमरा नहीं चालू करूँगा। तो आप सब जैसे कि मैं अपना वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको सिंपली यह करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आइकन दिखेगा जो आपको मैं सेव करके रखा हूँ उसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आइकन है दोस्तों। आपको इमोजी का एक फेस मिलेगा, उसके चारों बगल कैप्चर जैसा जो रहता है डिब्बा बॉक्स जैसा कैप्चर का थोड़ा थोड़ा वो रहेगा दोस्तों। मैं ऐसे जूम जूम इन करके दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर देखते हैं मेरे डिस्प्ले कुछ प्लस से है, ये यही है। तो आपको इसे जो कि ढूंढना है, ढूंढने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है कि इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो कि आपका जो फेस है दोस्तों उसे ये डिटेक्ट करेगा दोस्तों। तो मैं आपको वीडियो दिखाया हूं दोस्तों, तो आप देखते हैं फिर मैं वही वीडियो दिखा दे रहा हूं। तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों बड़ी आसानी से। इसे क्लिक करना है बस, आपका जो कि फेस डिटेक्ट करेगा। अपना मोबाइल कहीं भी रख दीजिए, मोबाइल रखने के बाद दोस्तों आप बड़ी आसानी से जो कि अपना वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। आप फेस इधर उधर कीजिए, सॉरी आप फेस इधर उधर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैप्चर कर लेगा दोस्तों बड़ी आसानी से। ये कैप्चर बहुत अच्छे से करेगा दोस्तों, और आपके फ़ोन के ऊपर जाता है दोस्तों कि आपका फ़ोन कैसा है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग जान गए होंगे दोस्तों कि आप किस प्रकार से करेंगे। तो जरूर अप्लाई करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आप सभी को कैसा लगेगा नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से सही लगेगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक से दोस्तों। तो चलिए गुड बाय दोस्तों।